प्रदेश के अमरोहा में पुलिस आवासीय कॉलोनी में रह रही महिला सिपाही के क्वार्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से आसपास रह रहे पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन इतने में क्वार्टर में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। दरअसल मामला है जनपद अमरोहा के थाना गजरोला क्षेत्र का, जहां पर पुलिस आवासीय कॉलोनी बनी कॉलोनी के क्वार्टर में महिला सिपाही रविता रहती है। सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। सर, आपको जो यहाँ जो थाने में आग लगी शॉर्ट सर्किट से, आपको किस टाइम सूचना मिली थी? हमको हमारे फायर स्टेशन को 10:51 पे सूचना मिली। यह सूचना मिली, हमारी गाड़ी तत्काल यानी वहाँ से निकली और यहाँ 2 मिनट बाद यानी आके अपना कार शुरू कर दिया। कितनी देर में आग को काबू पा लिया? आग को काबू तो हमने 5 मिनट के अंदर ही पा लिया। इसके बाद उसको अपना सालवेज करते रहे, बुझाते रहे। क्या क्या सामान जल गया अंदर, कुछ जानकारी हुई? इसमें इन्वर्टर है और इनका एसी वो कूलर वूलर है और कुछ बैटरा है। आग लगने की वजह क्या रही? JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।